हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश ई लर्निंग। हम आज वोकैबुलरी बिल्डिंग के बारे में बात करने वाले हैं। वोकैबुलरी बिल्डिंग क्या होता है? मुझे अपनी वर्ड पावर को इंक्रीज करना है। इन शॉर्ट, इंक्रीज योर वर्ड पावर। जितने ज़्यादा शब्द मुझे आएंगे, उतने शब्दों का इस्तेमाल मैं अपने सेंटेंसेस में कर सकती हूँ, और जितने नए नए सेंटेंसेस मैं फॉर्म कर सकती हूँ, आपकी लैंग्वेज और भी इम्प्रेसिव लगेगी। सो जितने ज़्यादा वर्ड्स मुझे आएंगे, उससे मेरी वोकैबुलरी बढ़ती जाएगी। कोई भी लैंग्वेज आप पढ़िए, आपको उनकी वोकैबुलरी आएगी तो आपकी लैंग्वेज ज़रूर सुधरेगी। तो आज हम वोकैबुलरी के बारे में बात करने जा रहे हैं। वोकैबुलरी में क्या पढ़ सकते हैं? वर्ड्स कितने टाइप के होते हैं? बहुत टाइप के वर्ड्स होते हैं। हम वर्ड्स को डिस्क्राइब करने के लिए भी एडजेक्टिव का भी इस्तेमाल करते हैं, हम सिनोनिम्स का इस्तेमाल करते हैं, एंटोनिम्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एडजेक्टिव्स, ये क्या होते हैं? सिनोनिम्स मतलब एक ही वर्ड के बहुत अलग अलग टाइप के सिमिलर मीनिंग वर्ड्स यूज़ करना। जैसे मैंने कह लिया कि आई एम नॉट एबल टू फाइंड माई बुक, आई हैव मिसप्लेस्ड इट। तो मैं यहाँ पर क्या बता रही हूँ कि मैं आई एम नॉट एबल टू सर्च इट, और आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट। फाइंड, सर्च, मीनिंग्स द सेम। मैं यहाँ फाइंड भी कर रही हूँ, मैं सर्च भी कर रही हूँ, लेकिन मैं ये दो अलग अलग शब्द अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर रही हूँ। इफ़ आई से कि दिस फ्लावर्स इज सो लवली, लवली फ्लावर तो लवली हो सकता है, फ्लावर ब्यूटिफुल भी हो सकता है। सो लवली एंड ब्यूटिफुल, ये दो शब्द एक ही मीनिंग दिखा रहे हैं। सो मैं जब ये बात करती हूँ तो मैं अलग अलग सिनोनिम्स की बात कर रही हूँ। एंटोनिम्स क्या होते हैं? एंटोनिम्स जो ऑपोजिट मीनिंग वर्ड्स होते हैं, जिसमें मैं कह सकती हूँ हाई, लो, रिच, पुअर। तो ये जब ऐसे शब्द यूज़ कर रही हूँ तो मैं ऑपोजिट मीनिंग वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ। तो हिंदी में सिनोनिम्स को हम समानार्थी शब्द कहते हैं, और हिंदी में एंटोनिम्स को हम विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं। ऐसे ही एडजेक्टिव्स भी हुए। हम बहुत सारे एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं जो हम नाउन के लिए यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव्स, आई एम अ वेरी करेजियस पर्सन, आई एम अ ब्यूटिफुल लेडी, आई एम अ स्मार्ट वुमन। सो स्मार्ट, ब्यूटिफुल, करेजियस, ये सब क्या हुआ? ये सब एडजेक्टिव्स हुए, विशेषण हुए। इनमें भी बहुत अलग अलग टाइप के वर्ड्स होते हैं जो हमारी पर्सनालिटी को दिखाते हैं, जो हमारे बारे में बता रहे हैं। तो हम वोकैबुलरी बिल्डिंग में इतने टाइप के अलग अलग वर्ड्स का यूज़ कैसे करना है ये सीखते हैं। आज मैं आपको सिनोनिम्स के बारे में बताने जा रही हूँ। सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम्स आर सिमिलर मीनिंग वर्ड्स। तो सिमिलर मीनिंग वर्ड्स में एक वर्ड मुझे आता है, लेकिन उसके सिमिलर मीनिंग्स के और भी अलग वर्ड्स होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए आज देखते हैं, मैं पांच शब्द लेके आई हूँ जिनके बहुत सारे अलग अलग सिनोनिम्स हैं, और हम अलग अलग स्टाइल में, अलग अलग सिचुएशंस में कैसे यूज़ करते हैं ये देखेंगे। पहला शब्द लाई हूँ वेट। वेट मतलब गीला। अब गीला है, वेट है, दिस क्लॉथ हैज बिकम वेट, मेक इट ड्राई और कीप इट आउट इन द सन, इट विल ड्राई ऑफ। मैंने अभी एंटोनिम्स यूज़ किया, वेट एंड ड्राई, करेक्ट। लेकिन वेट के और अलग सिनोनिम्स कौन से होते हैं? वेट, दिस इज अ वेट प्लेस। डैम, डैम मतलब भी वेट, यहाँ पी साइलेंट होता है, डैम। सो डैम मतलब वेट, इट्स अ डैम्पी प्लेस, इट्स डैम, डोंट स्टैंड देयर। मॉइस्ट, मॉइस्ट अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर, यहाँ पर हम पानी की बात कर रहे हैं, पूरे पानी की नहीं, लेकिन पानी से जो गीला हो चुका है उसके बारे में बात कर रहे हैं, मॉइस्ट। एंड दिस इज सोक्ड, सोक्ड मतलब पानी से पूरा भरा हुआ। तो यहाँ पर सब कुछ गीलापन दिखा रहा है। जब गीलापन दिखा रहा है तो इंग्लिश में हम इनको कह रहे हैं सिमिलर मीनिंग वर्ड्स और सिनोनिम्स। दूसरा शब्द लाई हूँ फनी। फनी मीन्स मजेदार या कॉमिकल, या कह सकते हैं कि कुछ हंसाने वाली चीज, या कह सकते हैं ह्यूमरस। इफ आई से यू हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और यू हैव अ फनी फेस, सो जब मैं ये कह रही हूँ, एक्चुअली मैं दिखा रही हूँ कि आप
फनी भी हो, आपका ह्यूमर बहुत अच्छा है, मतलब मजाक बनाने का तरीका बहुत अच्छा है, आप में ये सेंस है कि आप किसी को हंसा सकते हो। तो जब मैं ये कहना चाहती हूँ तो मैं बहुत सारे वर्ड्स यूज कर सकती हूँ। फनी तो आपको मालूम है, ही हैज़ अ फनी फेस और ही इज मेकिंग अ फनी फेस टू मेक अस लाफ। वो ऐसा ऐसे फेस बना रहा है, ऐसे एक्सप्रेशन दे रहा है जिससे मुझे हंसी आ रही है, तो ही इज मेकिंग अ फनी फेस। अम्यूजिंग, इट इज अ अम्यूजिंग थिंग, दैट मीन्स वॉट यू सेड इज अम्यूजिंग टू मी, यू हैव अम्यूज्ड मी, आपने मुझे हंसाया है। कॉमिकल, कॉमिक्स पढ़ते हैं हमें बहुत मजा आता है, तो जब कॉमिक्स पढ़ते हैं हमारे चेहरे पे स्माइल आ जाती है, उसका मतलब ही वो कॉमिकल थिंग है। सो डोंट मेक अ कॉमिकल फेस, इट्स मेकिंग मी लाफ। सो कॉमिकल फेस या कॉमिक या कॉमिकल, ये सब दिखा रहा है आपको एक हंसाने की कोशिश। ह्यूमरस, ह्यूमरस मीन्स आपके स्वभाव में भी ह्यूमर है। अगर आप बहुत खुशनुमा इंसान हैं तो आप बहुत जोक मारेंगे, लोगों को हंसाएंगे, लोगों को हैप्पी करेंगे, खुश करेंगे, तो हम कह सकते हैं यू हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, आप में ये ताकत है कि आप लोगों को हंसा सकें। तो ये सारे शब्द सिनोनिम्स हैं, अलग अलग सिचुएशन में हम यूज करते हैं। तीसरा जो मुझे दिखा रहा है, टीचर, टुडे आई एम अ टीचर बिकॉज आई एम टीचिंग यू समथिंग, राइट। ये टीचर इंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, अगर आप स्विमिंग सीखने जा रहे हो, जिम में जा रहे हो, आप कहीं भी कुछ भी म्यूजिक सीखने जा रहे हो, जो आपको सिखाता है ही इज अ इंस्ट्रक्टर फॉर यू, ही इज इंस्ट्रक्टिंग यू एंड यू आर फॉलोइंग हिज ऑर्डर्स। सो टीचर कैन बी इंस्ट्रक्टर, टीचर कैन बी एन एजुकेटर। अगर मैं सिर्फ एजुकेशन की बात कर रही हूँ, पढ़ाई की बात कर रही हूँ, तो ही विल बी कॉल्ड एज अ एजुकेटर। टीचर तो हर क्षेत्र में जो पढ़ाने वाला होता है वो टीचर होता है, एजुकेटर जो पढ़ाई में से संदर्भ में बात कर रहा है, आपको एजुकेशन दे रहा है, ही इज एजुकेटर। ट्यूटर, ट्यूटर भी टीचर ही होता है। आप ट्यूशन लेने जाते हो, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप ट्यूशन जाते हो, आप क्लासेस जाते हो, तो वो जो लोग हैं जो स्कूल कॉलेज में ना पढ़ा के अलग सेपरेट क्लास में पढ़ाते हैं, उनको हम कहते हैं ट्यूटर्स। तो ये सारे जो शब्द हैं एक्चुअली आपको टीचिंग के बारे में ही बता रहे हैं, सो दे आर ऑल सिनोनिम्स। चौथा शब्द है गेस्ट। हमारे यहाँ पर जब गेस्ट आते हैं, कोई मेहमान आते हैं, तो हम उनको अलग अलग नाम से भी बोल सकते हैं। हमारे यहाँ विजिटर हो जाता है, जो हमें कोई विजिट करने आता है, ही इज बिकम्स अ विजिटर बट ही इज अ गेस्ट फॉर यू। जरूरी नहीं है कि गेस्ट मतलब आपके रिलेटिव्स या आपके पहचान वाले ही होंगे, आपको कोई मिलने आ रहा है, ही इज अ गेस्ट फॉर यू, ही इज अ विजिटर फॉर यू। कॉलर, समवन हैज कम कॉल्ड यू एंड कम एंड टॉकिंग अबाउट सम बिजनेस रिलेशन और कोई और काम से आए हैं, तो ही इज अ कॉलर टू माई हाउस, सो उसको हम कॉलर भी कह सकते हैं। कंपनी, वो कंपनी देने आया है, देन ऑल्सो वी से दैट ही इज अ गेस्ट फॉर मी, ही हैज कम एज अ कंपनी फॉर मी। सो गेस्ट के भी अलग अलग सिनोनिम्स हो सकते हैं। पांचवा जो मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम है, अनटाइडी। हमारा रूम इतना अनटाइडी हो जाता है कि हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आके बोलते हैं व्हाट एन अनटाइडी रूम, प्लीज रिमूव दिस क्लटर। क्लटर, अनटाइडी, ये सब क्या वर्ड्स है, जो बहुत बिखरा हुआ रहता है, बहुत गंदा काम किया रहता है, उसको हम कहते हैं अनटाइडी वर्क। मेसी, इत सब जगह बिखरा हुआ है, एक के ऊपर एक, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई भी जगह पे रखा नहीं गया है, तो हम कह सकते हैं योर रूम इज अ मेसी रूम। डिसऑर्डरली, ऑर्डरली क्या होता है, जो बराबर एक के ऊपर एक रखा हो या अपनी जगह पे रखा हो, अगर लाइट भी नहीं हो तो मैं जाके अपना सामान निकाल लूं, इतना ऑर्डर वे में लोग रखते हैं। अगर वैसा ऑर्डरली नहीं है तो हम कह सकते हैं डिसऑर्डरली। और एक और शब्द है क्लटर, मैंने अभी क्लटर यूज किया, क्लटर मीन्स हमको जरूरत नहीं है वो भी सामान हमारे कमरे में है, तो हम कह सकते हैं डीक्लटर योर रूम और रिमूव दिस क्लटर, जो अनवांटेड थिंग्स है वो निकाल दो, तो आपका रूम अपने आप साफ हो जाएगा। हम गंदगी की बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं है वो सब कचरे की हो, गंदगी मतलब हमारे रूम में या हमारे प्रमाइसेस में या हमारे ऑफिस में जो सामान जरूरत नहीं है वो सामान भी रखा हो, तो हम बोलते हैं डोंट कीप दिस क्लटर, रिमूव दिस।
इतना मेसी मत रखो, इतना डिसऑर्डरली मत रखो अपना रूम. तो जब हम ऐसी बातें कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं अनटाइडीनेस की. सो अनटाइडी वर्ड कैन हैव सो मेनी सिनोनिम्स. तो आज आपने देखा करीब मैंने 20 से 25 सिनोनिम्स आपको बताए हैं, 20 से 25 नए शब्द आपको मालूम चले हैं. इनमें से जो भी शब्द आपको लगा कि मैंने कभी सुना ही नहीं है, या मैंने सुना था लेकिन मुझे मतलब नहीं मालूम था, तो आप अपनी डायरी में ज़रूर नोट करिए. ये नोट जो कर रहे हैं आप डायरी में, आपके शब्द के पावर को बढ़ाते जा रहे हैं. अगर आप लिखते जाएंगे और एक बार रीड भी करेंगे, रोज का एक बार पढ़ लेंगे, तो आपको समझ आएगा कि आपको कितने नए शब्द के बारे में मालूम चला है और उसको कैसे इस्तेमाल कर रहा है. अलग अलग सेंटेंसेस में, अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग कंडीशंस में हम इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं. क्यों हम एक ही शब्द हमेशा नहीं यूज़ करते? क्योंकि हम बार बार एक ही शब्द यूज़ करेंगे तो सुनने वाला भी बोर हो जाएगा, इम्प्रेशन नहीं बैठेगा, हमारी लैंग्वेज में कुछ सुधार नहीं दिखेगा और वही मोनोटोनस सेम स्टोरी दिखेगी. सो टू मेक अवर वर्ड्स, टू मेक अवर सेंटेंसेस मोर इफेक्टिव, वी हैव टू मेक यूज़ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स. और डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स जब हम यूज़ करते हैं तो हमें कहा जाएगा वाओ, इसकी वोकैबुलरी कितनी अच्छी है. कब कहते हैं? जब हम देखते हैं या हम सुनते हैं कि एक आदमी बहुत बढ़िया स्पीच दे रहा है और उस स्पीच में इतने सारे शब्द हैं, एक भी रिपीट नहीं हुए हैं, तब हम कह सकते हैं सी इज वोकैबुलरी, हाउ नाइसली ही इज सेइंग द स्पीच, और व्हाट एन इफेक्टिव स्पीच. ये अगर सुनना है आपको तो आपको भी अपनी लैंग्वेज सुधारने का मौका है. आप अपनी वोकैबुलरी सुधारिए, आप ज़रूर आपकी लैंग्वेज को इफेक्टिव बनाएंगे. आई होप आज आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए. दैट्स ऑल फॉर नाउ. हैव अ नाइस डे.